नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं हम कल के प्रश्नों की तरफ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिशन सागर, हिंद महासागर छोर देशों को कोविड की लड़ाई में सहयोग। तो ये बिल्कुल आप जो है एकदम ये बिल्कुल सही है। मिशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लेना, बिल्कुल सही है। वंदे भारत मिशन, उड्डयन मंत्रालय द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना, तो ये बिल्कुल सही है। मिशन शक्ति, कोविड की लड़ाई में मजबूती प्रदर्शित करना, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मिशन शक्ति हमने याद किया था ये पिछले साल जब हमने एक एंटी सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो है मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। पहली राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इससे प्रत्येक मायने में लोकसभा से कम शक्ति प्राप्त है, ये आपको गलत हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने के लिए विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है, और किसी राज्य सूची पर यदि संसद को सदन संसद को जो है अगर अधिनियम बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो राज्यसभा शक्ति प्रदान करती है। इसके पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल सही है। आज तक लोकसभा व राज्यसभा की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है, हमने बात किया था इसको, अभी तक 3 संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका। यानी कि स्टेटमेंट 1-3 सही है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाता है। हाल ही में किसे जीआई टैग दिया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन गिवन जीआई टैग? सोहराई कोबर पेंटिंग, ये आपके हमने डिस्कस किया था, ये आपकी बिल्कुल झारखंड की है। तेलिया रुमाल तेलंगाना की है, तो इनमें से दोनों में दिया गया था, डी विकल्प सही जाता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर एमएसएमईज। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है गवर्नमेंट में, तो कई सेक्टर्स में हम उसको थोड़ा सा सेक्टर्स में बांट के शॉर्ट में देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपका स्मॉल बिजनेसेस एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, देखेंगे इनके लिए सरकार ने क्या किया है। तो सबसे बड़ी बात बोली है कि भाई आप लोग 3 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकते हो बैंक से, और उसके लिए आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग लोन लेते हैं, मान लीजिए गोल्ड लोन लेते हैं, अपना सोना जमा करेंगे, उसके बजाय हमको बैंक पैसा देगी, तो कुछ जमा करेंगे विश्वास के रूप में, तभी तो बैंक पैसा देगी। तो उन्होंने बोला कि आप 3 लाख करोड़ तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के ले सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या होगा, बैंकों का जो गवर्नमेंट पर विश्वास है, और जब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं इसकी, तो यानी कि उनको 3 लाख करोड़ का लोन बिना सिक्योरिटी दे सकते हैं, यानी लोन ले पाएंगे ताकि आर्थिक गतिविधि उत्पादन बढ़ा सकें, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। और अगली बड़ी बात क्या बोली है, गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि 200 करोड़ तक के कोई भी अगर गवर्नमेंट खरीदारी है तो वो स्वदेशी फर्मों से ही करना है। तो मतलब क्या है, अगर 200 करोड़ तक के लिए उनको विदेशी फर्म से कंपटीशन नहीं करना है, तो कंपटीशन से बचेंगे। और दूसरी बात ये चीज़ है कि उनको अवसर ज़्यादा मिलेगा, 200 करोड़ तक की कोई खरीदारी अगर करना है गवर्नमेंट को, तो केवल स्वदेशी फर्म से ही करेगा, तो इससे भी उनको काफ़ी वो मिलेगा। अब हम देखें एम्प्लॉयज़ और टैक्स पेयर्स के लिए क्या उन्होंने बात की है। तो इसमें बात एक की है कि जैसे जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, जो अब रिटायरमेंट होने पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, उसके लिए क्या होता है, अभी तक प्रावधान था कि जितनी सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका 12% गवर्नमेंट देती है, 12% जो है जो मतलब एम्प्लॉयर होता है, जैसे जो लोग जिसने एम्प्लॉय किया है, जैसे मान लीजिए नौकरी जो दिया है, तो 12% वो जमा करता है और 12% उसके सैलरी से कटती है, यानी 24% प्रति माह उसकी उसके एक अलग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, जो उसको रिटायर होने पे मिलता है। तो अब उसको घटा के 10-10% कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है, कि जो बाद में आपको मिलती है पेंशन या फिर वन टाइम पेमेंट मिलती है। तो जैसे कि अभी तक था 12% वो जो है एम्प्लॉय करेगा और 12% एम्प्लॉयर करेगा, तो 24% प्रति माह उसके एक सेपरेट अकाउंट में रख दिया जाता था, ताकि उसको जाके बाद में लमसम अमाउंट मिल सके। अभी क्या किया गया है, इसको घटा के 10% गवर्नमेंट मतलब जो एम्प्लॉयर देगी, और 10% एम्प्लॉय के उससे सैलरी से कट जाएगा। अब इससे क्या होगा कि मतलब जो कट करके अलग रखते थे, वो कम कट करना पड़ेगा, यानी सैलरी ज़्यादा दे सकेंगे, ये चीज़ हो गया। और दूसरी बात, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हमने देखेंगे क्या किया है। जो पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, उसमें हमने बात की थी काफ़ी समस्याएं हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो काफ़ी घाटे में हैं, मतलब उनको पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है वो घाटे में है, उनके पास पैसा नहीं है। तो 90,000 करोड़ रुपये का लोन देने की बात की गई है उनको, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, डिस्कॉम्स हैं। जब उनको पैसा मिलेगा तो वो प्रोड्यूसिंग कंपनीज को दे देंगे, और जब उत्पादक कर्ता कंपनी पाएंगे, तो पावर सेक्टर में और भी सहायता मिलेगी।
और दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, डेडलाइंस फॉर रियल्टी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड। तो जो रियल्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर है आपका, जो भी आपका भवन निर्माण विधि, भवन निर्माण जो क्षेत्र होगा या फिर जो भी आपका निर्माण क्षेत्र है, इसमें क्या कहा है, जैसे डेडलाइन होती है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था 2016 में, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं। तो उसमें जैसे एक ये भी प्रोविजन है कि आपको पहले बता देना होता है। जैसे समस्या क्या थी कि पहले क्या होता था कि जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट थे, 6 साल तक 8 साल तक वो बिल्डिंग बना रहे हैं, लोगों से पैसा एडवांस में ले लिए हैं, और कहीं उनका प्रोजेक्ट भी हाल्ट हो गया, लोगों का पैसा फंस गया, लोगों को फ्लैट नहीं मिला है, तो इससे काफ़ी समस्याएँ होती थी लोगों को। तो 2016 में एक अधिनियम पारित हुआ था, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016। उसमें बात की गई थी कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपर है, तो उसको पहले से बताना पड़ेगा कि भाई हम इतने दिन में अपना प्रोजेक्ट जो है पूर्ण कर लेंगे। और इसको मॉनिटर करने के लिए रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती थी हर राज्य में, ताकि कोई भी जिस कानून इस जो है कानून से अगर थोड़ा सा भी डाइवर्जन होता है तो उनको पनिश किया जाए, उन पर तनाव डाला जाए, दबाव डाला जाए। अब हम देखेंगे वित्तीय क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। तो 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी एनबीएफसीज के लिए है, यानी कि इनको भी जो है 45,000 करोड़ का लोन ले सकती हैं एनबीएफसीज, उसके लिए आंशिक जो सिक्योरिटी होगी वो गवर्नमेंट देगी, यानी कि आपको बहुत थोड़ी सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा एनबीएफसीज के लिए। एनबीएफसी हमने बात किया था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, यानी कि जो बैंकिंग काम नहीं करती हैं, यानी कि डिपॉजिट जैसे नॉर्मल बैंक करते हैं उस तरह नहीं काम करती हैं कि डिपॉजिट लें या डिपॉजिट दें, बल्कि ये जैसे अन्य काम पर, जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि कोई कंपनी है वो केवल जैसे भवन निर्माण के लिए दे रही है, विद्युत के लिए दे रही है, जैसे आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था तो हाउसिंग के लिए फाइनेंस करती थी वो एनबीएफसी, तो जो डीएचएफएल जो हमारे अभी जो है मतलब बुरी स्थिति में है। और क्या इन्होंने किया है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, 30,000 करोड़ का अलग से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देने की बात की गई है। ये सब चीज़ें इसमें हैं। इंडिया रिकॉर्ड्स 3,525 मोर वायरस केसेस, तो 3,525 और केसेज आए हैं, चीज़ बात की गई है। अगली न्यूज है $3.6 मिलियन इन यूएस फंडिंग टू इंडियन लैब्स में भी डिलेड। तो न्यूज़ क्या है इसमें कि यूएस की जो एक यूएस जो है $3.6 मिलियन की फंडिंग कर रहा है इंडियन लैब्स की, तो उसको रोका गया है। क्यों रोका गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि भाई जो फंडिंग कर रहे हो इसको हम चेक करेंगे कहीं इसमें कुछ मतलब गड़बड़ तो नहीं है। जैसे क्या हुआ था कि पिछले साल 30 अक्टूबर 2019 को एक जो है मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च एक है उसने उसको इस यूएसए ने फंडिंग की थी, जबकि ये फंड ये जो सेंटर रिसर्च सेंटर है रजिस्टर ही नहीं है। जब रजिस्टर नहीं है तो जो उस समय आपका आया था निपा वायरस आया था उसके लिए वैक्सीन बना रहे थे, तो कहीं यूएसए इलीगल फंडिंग तो नहीं कर रहा है या फिर कोई अपना बैड मोटिव के साथ तो नहीं फंडिंग कर रहा है कि कोई बायो वीपन बनवा रहा हो, ऐसा बनवा रहा हो, तो इसलिए हम उसको चेक करेंगे। तो $3.6 मिलियन की यूएसए फंडिंग इंडियन कंपनीज को अभी रुकी हुई है, उसको जो है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की जब सैंक्शन मिल जाएगा तब वो आगे बढ़ेगी। अगली न्यूज, ताइवान वांट्स टू ज्वाइन हैंड्स विथ इंडिया। ताइवान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ताइवान क्या है, ताइवान एक देश है जिसको अभी बहुत सारे देशों ने स्वतंत्र देश के रूप में नहीं स्वीकार किया है। जैसे चाइना बोलता है कि हमारा ही राज्य का अंग है, इन लोग अलग भले कहते हैं ये अलग देश नहीं, ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन ताइवान बोलता है नहीं हम स्वतंत्र राज्य हैं। तो इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं मिला है अभी, तो उसके लिए ये ईगर है कि हम इंडिया के साथ काम करें, विश्व में काम करें सबके साथ। और इसने अभी कोरोना से लड़ने में बहुत अच्छा काम किया है, तो ताइवान बोल रहा है कि भाई हम वर्ल्ड हमको जो है आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी सदस्य बना लो। अभी WHO का सदस्य भी नहीं, हमने डिस्कस भी किया था कल इस संबंध में, तो बोला हमको WHO को सदस्य बना लीजिए आप। और हमने जैसे वहां पर अभी केवल 400 से 500 केसेज हैं, ये भी काफ़ी अच्छा से उन्होंने कोविड से लड़ा है। तो बता रहे कि जो हमारे पास अच्छे प्रैक्टिसेज हैं हम उनको शेयर करेंगे, कैसे आप कोविड से लड़ सकें, और जो भी रिसर्च हमारे पास हम शेयर करेंगे वर्ल्ड से, ग्लोबल कम्युनिटी से, तो ये बोल रहा है। तो वही इसमें बताया गया कि इंडिया के साथ काफ़ी मिलकर काम करने की इच्छा है ताइवान की। अगली न्यूज, CAPF कैंटीन्स गो स्वदेशी। तो जो आपका सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्सेज हैं, ये इसमें कौन कौन सी पुलिस फोर्सेज आती हैं, जो जैसे आपका इसमें CRPF आ जाती है, BSF आ जाती है, ITBP आ जाती है, SSB आ जाती है, CISF आ जाती है, NSG आ जाती है, असम राइफल्स, ये सारी फोर्सेज CAPF में आती हैं। तो जो इनके सर्विस होल्डर्स थे उनके लिए जो कैंटीन की व्यवस्था होती है, अपनी जो डिपार्टमेंटल कैंटीन होती है, उसमें अब क्या किया गया कि सारे इसमें स्वदेशी सामान ही बिकेंगे। तो जैसे कि अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था,
था तो उसमें मोदी जी की जो थीम थी वो आत्मनिर्भर भारत की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वदेशी सामानों को उपयोग करें। तो उसी को पहल करते हुए गृह मंत्रालय ने CAPF कैंटीन को सारे को स्वदेशी सामान बेचने का आदेश दिया, केवल स्वदेशी सामान ही उपलब्ध कराए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर FV यूजर डाटा बाय इंडिया अप 28%। तो एक जो है US की एजेंसी है उसने बताया आंकड़े कि जो इंडिया है पिछले साल की तुलना में 28% ज़्यादा फेसबुक यूजर का डाटा मांगा हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने, और बोल रहे हैं कि 2-3 सबसे बड़ी देश है जिसने जो है फेसबुक यूजर्स का डाटा मांगा है। तो जैसे मतलब बात इस पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई आप इतना मास सर्विलांस कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक डाटा मांग रहे हो, तो ये मतलब गवर्नमेंट को जो है मिनिमम डाटा जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा लोगों के जो है डाटा प्राइवेसी नहीं वायलेट करना चाहिए, तो इसलिए चिंता उठाई जाती है। तो उसमें एक प्रश्न हो सकता है 1225 of 4216 नांदेद पॉजिटिव बम्प ऑफ पंजाब नंबर्स। तो नांदेद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर गुरुद्वारा हुजूर साहिब है जो कि एक मतलब जो पंजतख्त कहा जाता है सिखों का, उनमें से एक महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है वहाँ पर। तो उनमें जो 4216 लोग नांदेद गुरुद्वारे में गए थे जो है सिख, वो जो पंजाब लौटे हैं, उनमें से 1225 केसेस पाए गए हैं। तो नांदेद गुरुद्वारा, इससे हम समझेंगे इसमें महत्व क्या है। यहाँ पे जो गुरु नानक सिंह सिखों के 10वें गुरु थे उनका देहांत यहाँ पर हुआ था, उन्होंने अपना देहावसान यहीं पर किया था, तो इसलिए नांदेद बहुत सिखों का प्रमुख स्थल है। पंजतख्त यानी 5 गुरुद्वारे हैं जिसमें 3 आपके पंजाब में है, 1 पटना साहिब बिहार में है, 1 आपका गुरुद्वारा हजूर साहिब नांदेद में है महाराष्ट्र में। तो इनको पंजतख्त कहा जाता है सिखों में। अगली न्यूज है 2 वर्चुअल कोर्ट्स लॉन्च टू सेटल ट्रैफिक चालान। जो ट्रैफिक चालान है, जैसे जो भी ट्रैफिक चालान कट रहे हैं तो उनके न्याय के लिए, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक चालान कटा किसी गाड़ी सीज हो गई तो न्यायालय में जाके उसको निकलवाना पड़ता है, तो उसके लिए वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की गई है दिल्ली में। तो वर्चुअल कोर्ट क्या है हम जानेंगे, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो फिजिकल जो है पजेशन ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है, तो उसके माध्यम से जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो आपके जज रहेंगे और जो भी याचिकाकर्ता रहेंगे उन दोनों का सामना होगा इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको वर्चुअल कोर्ट कहते हैं। अगली न्यूज है आपकी, ये आपकी लोकल न्यूज है, अगली न्यूज आपकी है पोलावरम वर्क्स हिट्स एज माइग्रेंट वर्कर्स लीव। तो माइग्रेंट जो भी प्रवासी मजदूर हैं सब वो छोड़ के जा रहे हैं, तो पोलावरम मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, उसको प्रभावित है। हमने डिस्कस भी किया है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, ये गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में बनाई जा रही है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा देने का मतलब क्या होता है कि 90% जो भी उसका खर्च आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। अगली न्यूज है आपकी मेजर स्टिमुलस पैक, ये तुम था ही, उसमें वोकल अबाउट लोकल बट नो स्नप टू ग्लोबलाइजेशन। तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसकी घोषणा करते हुए मोदी जी जब हमारे जो है लाइव आए थे तो उसमें इन्होंने जो बातें की उसका शॉर्ट में एनालिसिस करके इन्होंने दिया है, तो उसमें जैसे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ बात की है। तो सबसे पहले इन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है, जब हमारा 20वीं सदी में जब हम देश आज़ाद हमारा हुआ था तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं उनका हम खुद ही वैकल्पिक उत्पाद अपने यहाँ बनाएं, ताकि जो हमारा आयात करने में पैसा जाता है विदेशों को विदेश में न जाए बल्कि यहाँ भारतीय कंपनियाँ ही उन उत्पादों को बनाएं और वो पैसा हमारा भारत में ही रहे, भारत के लोगों को फायदा करे। तो ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी जो आयातित वस्तुएँ हैं उनका वैकल्पिक उत्पाद भारत में निर्माण करना, इसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो इसी को उत्पादन के लिए वोकल अबाउट लोकल की बात किया है, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स जो हमारे आसपास उत्पादित होते हैं उनको लेके आप जो है ज़्यादा सतर्क रहिए, उनको लेके आप ज़्यादा उनके प्रति रुचि दिखाइए, इसकी बात मोदी जी ने की है। अगली बात बोली है कि प्रॉफिट ड्रिवन से पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे अभी तक क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है वो क्यों प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कोका कोला है, कोका कोला की डिमांड ज़्यादा है तो कोका कोला बनाएंगे, भले आपका जो है मेडिसिन की डिमांड जो है मेडिसिन ज़्यादा आवश्यक है वो मेडिसिन को जो है कम उत्पादन करेंगे, वो देखेंगे डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, कहाँ में प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यानी लोगों को क्या चाहिए कहना चाहिए उससे मतलब नहीं, उनको मतलब प्रॉफिट कैसे, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री बनानी है तो वो ये नहीं देखेंगे किससे लोगों का हित हो जाएगा, जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट की तरफ जाती है। तो वही बोल रहे हैं कि मोदी जी बोला है उन्होंने कि जो है प्रॉफिट ड्रिवन से पीपल सेंट्रिक हो, कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं उनके आधार पर, ये चीज़ बोला है। अगली बात बोली है इंडिया लेड ग्लोबलाइजेशन की बात की है, कि जैसे हम वैश्विक हम उसको
ग्लोबलाइजेशन की बात, हम ग्लोबलाइजेशन को जो है गलत नहीं कहते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया पे हो तो ठीक ही है, यानी इंडिया ग्लोबलाइजेशन का रिसीवर ना हो बल्कि वो जो है इंडिया ग्लोबलाइजेशन में एक्टिव पार्टनर हो, यानी कि हमारे जो देश हमारा जो एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा शेयर हो, हमें उससे फ़ायदा हो, ये ना हो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं लोगों से और बल्कि ग्लोबलाइजेशन हम पे बर्डन होता जा रहा है। और अगली बात क्या बोला उन्होंने मोदी जी ने कि इंडिया सेल्फ रिलायंस कैन ओनली बी एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे चाइना इस महामारी से निकल के अब निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है मेडिकल वस्तुओं का और सब चीज़ों का, तो इसे अवसर के रूप में ले रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, निर्यात क्षेत्र है, वो इतना विश्वव्यापी हो चुका है कि हर क्षेत्र मतलब हर देश उससे इम्पोर्ट कर रहा है चाइना से। तो बोल रहे हैं जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये चाइना के जो है चाइना को दांव पे हम लोग जो है लगा कर तब आगे बढ़ेंगे, यानी कि जितना हम लोग कवर करेंगे उतना चाइना को नुकसान होगा। ये चीज़ बोले मतलब जो चाइना के द्वारा क्षेत्र अगुपाई किया गया है उसको हम लोग काउंटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र वैश्विक व्यापार में हमारा भी हो, ये चीज़ बात की है। अगली बार उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्स की, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के लिए सुधारों की बात की है। उसमें सुधार में जैसे आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए और लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बात की है कि MSMEs को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को लेके ज़्यादा उपलब्धता रहे हमारी, ये चीज़ बात कही है। लेकिन उन्होंने कुछ ये भी बताया है, जैसे न्यू जनरेसिस में उन्होंने बताया कि कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि आपका कैपिटल यानी धन की उपलब्धता, जो है टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, मानव संसाधन की उपलब्धता, ये सब चुनौतियाँ हैं, लेकिन इसको हम जो है इससे निपट सकते हैं। अगली न्यूज है डेडलाइंस फॉर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स टू बी एक्सटेंडेड। तो जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाने की बात की है कि 6 महीने तक प्रोजेक्ट जो अंतिम तिथि है प्रोजेक्ट पूर्ण होने की उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पहले रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी समस्या पाई गई, अभी भी समस्या में ही है। कारण क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी वजह से कोई रियल इस्टेट प्रोजेक्ट रुक जाता है तो जो लोगों ने अपना पैसा जमा किया है और उम्मीद करते हुए कि 1 साल बाद उनका अपना का घर होगा, अपना फ्लैट होगा, लेकिन प्रोजेक्ट चूंकि रुक चुका है, 4-4, 6-6 साल, 8 साल प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो फ्लैट तैयार भी नहीं हुआ, उन लोग का पैसा भी फंसा है। तो इसके लिए 2016 में गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 लाया था, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग जो भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर हैं वो जो भी पैसा जमा करोगे उसका 70% पैसा उस जो है कंस्ट्रक्शन में लगाओगे, यानी कि आप इधर उधर उपयोग ना करो, नहीं पता चले कि आप पैसा रियल इस्टेट के लिए लगाए हो, इकट्ठा किए हो और अपना पैसा दूसरे बिजनेस में यूज कर रहे हो, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे हो, और जब पैसा वहाँ लगाओगे नहीं तो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होगा, तो लोगों के साथ ये तो धोखाधड़ी हो ना। तो जो भी मिडिल क्लास लोग बेचारे उम्मीद के साथ अपना पैसा जमा करते हैं रियल इस्टेट प्रोजेक्टर्स के, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो इसलिए रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था। इसके तहत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी हर राज्य में जो सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कराएगी। तो जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर हैं उनको इस अथॉरिटी के से रजिस्टर कराना पड़ेगा और अपनी तिथि बतानी पड़ेगी कि हम इतने समय के भीतर अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर देंगे। तो जैसे वही जो अपना समय बताया था, समय काल बताया था कितने समय हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया है तो हमको लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होगी और ट्रांसपोर्टेशन भी समस्या आएगी, तब जाहिर सी बात प्रोजेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसी 6 माह की समयावधि को विस्तार किया गया है राज्य सरकारों के द्वारा कि बोला आप 6 माह आप है और आप समय ले सकते हैं, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, कोई दंड नहीं दिया जाएगा आपको। अगली न्यूज है आपकी लैविश स्पेंडिंग वरीज रेलवे मिनिस्ट्री। तो जैसे आप जानते हैं जो रेलवे हम रेलवे कार्य का कार्यक्रम है पूरा हमारा, लगभग 100 रुपये की 100 पैसे की कमाई के लिए रेलवे को लगभग 96 पैसे खर्च करना पड़ता है, यानी कि मेरली 2-3 पैसे का प्रॉफिट होता है, यानी 2-3% प्रॉफिट। तो इतना सोच लीजिए, तो बड़ा घाटे का सौदा है, अभी जानते रेलवे हमेशा लगभग लगभग घाटे में ही चलती है। तो वही रेलवे मिनिस्ट्री ने चिंता जताई है कि जो आप पैसे लेविसली स्पेंडिंग करते हैं यानी बिना तर्क तर्कहीन स्पेंडिंग करते हैं, बजट इतने का होता है, आपका प्रोजेक्ट इतने का चला जाता है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज 3,100 करोड़ फ्रॉम PM CARES एलोकेटेड फॉर COVID-19 रिलीफ। जो PM CARES फंड के बारे में अनिश्चितता जाहिर की जा रही थी कि इसका पैसा कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो उसको अभी सरकार ने बताया है कि देखिए हम किस तरह से अभी तक 3100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए एलोकेट कर दिए हैं। कहाँ कहाँ पर 50,000 वेंटिलेटर खरीदेंगे 2,000 करोड़ में, और 1,000 करोड़ रुपए हम लोग जो प्रवासी मजदूर उनके लिए इसमें से रखे हैं अलग, और 100 करोड़ रुपए इंडियन जो भी रिसर्चर्स हैं जो वैक्सीन या मेडिसिन पे काम कर रहे हैं उनके रिसर्च के लिए हमने 100 करोड़ रुपए रखे हैं अलग। और अगली जो गाइडलाइंस इशूड ऑन यूज ऑफ ACs इन ऑफिस। तो जो एयर कंडीशनर होते हैं उनको कैसे यूज करना है उसके लिए गाइडलाइन इशू की गई है, जैसे बताया गया है जैसे
भाई एसी क्या है, बार बार अगर उसी हवा को सर्कुलेट कर रही है तो अगर उसमें कोरोना वायरस या कोई संक्रमण पाया जाता है तो उस कमरे में सभी प्रभावित लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो कई चीज़ें बताई हैं कि तापमान आप 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें, यानी बहुत लो टेम्परेचर ना करें, और उसके बाद ह्यूमिडिटी जो आपकी आर्द्रता रहे 40 से 70% तक रहे, और उसके बाद स्वस्थ हवा को भी आने का अवसर दें, यानी खिड़कियाँ कोई सी खोल दें जिससे स्वस्थ हवा आती रहे, बार बार वही पुरानी हवा ना जो सर्कुलेट होता रहे, और जो फिल्टर्स रहें उनको भी आप बराबर साफ करते रहिए, इसकी बात की गई है इसमें गाइडलाइन में। अगली न्यूज़ है बुकिंग ऑफ वेटिंग लिस्ट टिकट्स अलाउड विद कैब। तो जो नई ट्रेनें चलाई गई हैं तो उसमें जैसे दिल्ली से 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनें चलाई गई हैं कुछ राज्यों के लिए, तो उसमें बुकिंग जो है उसमें जो है वेटिंग लिस्ट भी अलाउ कर दिया गया है कुछ जो है लिमिटेशन के साथ। जैसे आपका स्लीपर क्लास में 200 वेटिंग लिस्ट तक हो सकता है, AC 3 टीयर में आपका 100 तक वेटिंग लिस्ट रहेगा, AC 2 टीयर में 50 वेटिंग लिस्ट हो सकती है, और AC 1 में 20 वेटिंग लिस्ट, ऐसे ऐसे बताया है उन्होंने। अगली न्यूज, आर्मी प्रपोजेज 3 ईयर स्टिंट फॉर सिविलियंस। तो जो हमारी सेना है वो एक जो है प्रपोजल लाई है कि 3 साल के लिए हम सिविलियंस को, सिविल्स लोगों को भी सेना में भर्ती करें। तो इसका उद्देश्य क्या है, जैसे ये बताना चाह रही है कि भाई हमारे सैनिकों पे इतना व्यय होता है, उसके बजाय एक ये भी सुझाव अच्छा हो सकता है कि 3 साल के लिए हम टेम्प्रेरी सिविलियंस को वो करें, तो उससे क्या होगा हमारा उस पर उन पर कॉस्ट कम आएगी, उन पर खर्च कम आएगी, और जो पैसा बचेगा उसको हम अपने मॉडर्नाइजेशन पे आई नई नई जो तकनीकों को प्रयोग में लाएंगे, नई बंदूकों को, नई तोपों को, नई तकनीकों को लाएंगे ताकि हमारी बेहतर हो सके। तो टूर ऑफ ड्यूटी TOD या शॉर्ट सर्विस की बात की गई है, यानी कि जो सिविलियंस को लाएंगे 3 साल के लिए लाएंगे उनको, तो तीन तीन साल के लिए ऐसे नए सिविलियंस को रिक्रूट करेंगे तो उनको औसत कॉस्ट जो हमारा आएगा 80 से 85 लाख आएगा, जबकि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल के लिए होते थे उनके लिए एक जो है एक अधिकारी पे लगभग 8 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ रुपए तक आता था। तो जो कॉस्ट बचेगी हमारी इसको हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए यूज कर सकते हैं। अगली न्यूज, नेपाल का लेट इंडिया यूज लिंक रोड ओली। तो जो वहाँ के केपी शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला है कि देखो भाई जो काला पानी विवाद है उस पर उन्होंने बोला है कि जो आपने अभी कैलाश मानसरोवर के लिए लिपु लेक दर्रे से होते हुए काला पानी क्षेत्र से जाते हुए एक रास्ता बनाया है, अगर आप हमसे कोई समझौता कर लो कि हाँ ठीक है हम थोड़ा हमको रिलैक्सेशन दे दो तब तो हम मान जाएंगे, तब तो हम समझौते के तहत आपको एसेस करने देंगे, लेकिन हमको ये स्वीकार नहीं है आप एक हो हमारी टेरिटरी है। तो मतलब सीधी सी बात है वो चीज़ों को मान रहे हैं लेकिन राजनीतिक दबाव में चीज़ों को, जैसे भाई अब कोई ये नहीं कह सकता नहीं हमने भारत को दे दिया, तो राजनीतिक दबाव है इसलिए उस चीज़ वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि हमको रोड से कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम इसको अपना क्षेत्र भी मानते हैं, उनका कहने का मतलब यही है आप कैसे समझ सकते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स विल सून बी ऑपरेशनल। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जल्दी ही कार्य में जो है आ जाएंगे। तो जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे MM नरवणे हैं, उन्होंने बताया है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है वो जल्दी ही हमारे लॉन्च हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है हम जानेंगे, तो जैसे अभी क्या है सेना की अलग टुकड़ी होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की अलग टुकड़ी है, मेडिकल की अलग टुकड़ी है, पुल बनाने वाली अलग टुकड़ी है, राशन पहुंचाने वाली अलग टुकड़ी है, लड़ने वाली अलग टुकड़ी है, लेकिन तो समझना है चीज़ें, अब इस तरह अगर एक काम को अंजाम देना है तो उसमें पुल बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, राशन ले जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी, लड़ने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तोप वालों की भी आवश्यकता पड़ेगी, गन वालों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस तरह तो एक कार्य को पूर्णतः अंजाम देने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। तो इस समस्या से उभरने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो एक छोटी सी टुकड़ी बनाई जाएगी ब्रिगेड साइज की टुकड़ी जो अपने आप में आत्मनिर्भर होगी। आत्मनिर्भर कैसे होगी, उसमें कुछ लोग इतने हुनरमंद होंगे वो उनको पुल बनाने का भी हुनर होगा, वो जो है लड़ने में ही एक्सपर्ट होंगे, तो मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग उसमें रहेंगे ताकि जैसे समस्या आए जहाँ पे जितनी समस्या चुनौती जो रहे चाहे जिस प्रकार का भौगोलिक परिस्थिति हो या चाहे जिस प्रकार का कार्य हो उस समय के अनुसार ढाल के किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अच्छे से अंजाम दे सके। मतलब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी सारे कामों में निपुण हो वो जल्दी से, तो वो क्या करेंगे जब निपुण होंगे तो 12 से 48 घंटे के बीच में किसी भी जगह पर पहुंच के और तुरंत अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे मतलब वो सक्रिय टुकड़ी रहेगी जो अपने आप में आत्मनिर्भर होगी, ये चीज है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। अगली न्यूज है आपकी इंटरनेशनल जगत से ताइवान का इंटरव्यू, हमने बात किया था ताइवान, मुद्दा यही है कि WHO का सदस्य नहीं ना ही अंतर्राष्ट्रीय पटल को स्वतंत्र राज्य के रूप में, बहुत कम से देशों ने उसको स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। तो वो यही बता रहे हैं कि हम जैसे कोविड से लड़ रहे हैं तो हम अपने हमारे पास जो भी अच्छे प्रैक्टिस हैं उनको हम WHO शेयर कर सकते हैं और इंडिया के साथ भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी उत्सुक है ये सब अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए और WHO के साथ भी काम करने के लिए। अगली न्यूज, पोम्पियो मेट्स नेतन्याहू टू डिस्कस वेस्ट बैंक एनेक्सेशन।
तो पोम्पियो नेतन्याहू, नेतन्याहू कौन है, नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मिले उन्होंने। माइक पोम्पियो कौन है, वहाँ के होम सेक्रेटरी हैं यूएसए के। तो यूएस के जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो नेतन्याहू से मिले हैं, और उन्होंने वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के मुद्दे पर बात की है। वेस्ट बैंक क्या है, ये आपका पैलेस्टीन, जो फिलिस्तीन है उसका क्षेत्र है, इसराइल से सटा हुआ है। तो इसराइल फिलिस्तीन का मामला आप जानते ही होंगे, जब से इसराइल अस्तित्व में आया और फिलिस्तीन जो है कहता है मुस्लिम राज की बात करता है, वो कहता है हम इसराइल पूरा हमारा है। तो उस क्षेत्र के लिए अभी भी लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन वास्तव में अभी जो है कोई पोलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में पूर्ण रूप से अभी स्टेब्लिश नहीं हो चुका है। तो वही अभी क्या घटना हुई थी, 2-3 दिन पहले एक इजरायली सेना को फिलिस्तीन के कुछ नागरिकों ने पत्थर से मार दिया था, तो उसी के लिए वेस्ट बैंक क्षेत्र में। तो वेस्ट बैंक क्षेत्र को अब मिलाने को कह रहे हैं कि हम उस पर अटैक करके अपने मिला देंगे पूरा। तो उस चर्चा पे पोम्पियो नेतन्याहू से मिले थे। अगली न्यूज़ है आपकी, तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन, और हम चलेंगे आज इससे संबंधित प्रश्नों के तरफ जिनको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है, ताइवान किस महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। ताइवान लाइज इन विच ऑफ द ओशन रीजन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया, इसको आपको मैप में जाके देखना है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। रियल इस्टेट क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल इस्टेट सेक्टर। इसके नियंत्रण के लिए रेरा एक्ट 2016 लाया गया। अधिनियम के अंतर्गत प्रोजेक्ट डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट की समय सीमा कानूनी रूप से पहले निश्चित करनी होती है। प्रत्येक राज्य में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन सी कथन सत्य हैं, केवल एक, एक व दो, एक व तीन, एक दो व तीन। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या हैं, व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। आर्मी में मेडिकल विंग की नई टुकड़ी है, ब्रिगेड आकार की सैन्य टुकड़ी जो तत्काल रूप से किसी भी क्षेत्र में किसी भी सैन्य चुनौती के लिए तैयार हो। थल सेना में सिविलियन कर्मचारियों की नई टुकड़ी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हम न्यूज़ को जो न्यूज़ संबंधी मैप थे उनको भी देख लेते हैं। तो मैप में आज मुख्यतः दो चीज़ें थी हमारा, एक ताइवान था, ताइवान को लोकेशन देख लेंगे। तो ताइवान देखिए आपका, ये आपका ताइवान क्षेत्र जो है ये देख रहे होंगे चाइना के बगल ही, ये पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में आ जाता है ताइवान क्षेत्र, जापान साउथ कोरिया के दक्षिण में, चाइना के पूर्व में, ये चीज़ आप जा जाएंगे। और दूसरी न्यूज़ हमारी कौन सी थी, इसराइल संबंधित। तो इसराइल आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में देखिए जो ये अरब के देश हैं, तो इनमें ये आपका यहाँ पर इसराइल आता है। तो ये चीज़ देखा हमने। तो ये थी आज की डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।